आप सभी को पाम संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज खजूर का इतवार है और आप हम इस समय एक साथ हैं और हम परमेश्वर के महिमा को इस समय देखेंगे। आइए हम वचनों में जाएंगे, इससे पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने हम सभी को इकट्ठा किया है और प्रभु हम इन वचनों को सुनने के लिए एक साथ आए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करें, आगे का समय हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम शुरू करेंगे आज के दिन। आज का विशेष दिन है, सारे संसार में आज का दिन पाम संडे के रूप में मनाया जाता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इतने अच्छे दिन में प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आ सकूं। हम शुरू करेंगे मत्ती उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि यह कौन है। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। 12वां वचन, यीशु ने मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सच में देखा जाए तो मसीही लोग जो त्योहार मनाते हैं, क्रिसमस है, फिर रिजरेक्शन संडे जिसको लोग ईस्टर कहते हैं, और गुड फ्राइडे है जिस दिन यीशु मसीह मरा, और पाम संडे, इतने त्योहार हम मसीही लोग मनाते हैं। सारे त्योहारों में और पाम संडे के त्योहार में फर्क है। बाकी के जितने भी त्योहार हम मनाते हैं, वो क्रिसमस हो या रिजरेक्शन संडे हो या फिर गुड फ्राइडे हो, ये सारी बातें इतिहास है, हिस्ट्री है, जो घटना हो गई है उन घटना की याद में हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं और गुड फ्राइडे मनाते हैं। लेकिन क्यों पाम संडे इन सारे त्योहारों से अलग है? पाम संडे का महत्व जो है वो आने वाले भविष्य के लिए है। क्रिसमस का क्यों मनाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह, हम ऐसा मानते हैं कि यीशु मसीह उस दिन पैदा हुए और उनके पैदाइश की याद में हम क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन क्रिसमस अब कभी भी नहीं आएगा कि यीशु मसीह पैदा हुए और उसके बाद वो अब फिर से मरियम के गर्भ से पैदा होने वाले नहीं है। अगर आप गुड फ्राइडे की बात करें तो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए और अब प्रभु यीशु मसीह
क्रूस पर कभी भी मारे नहीं जाएंगे। इसका मतलब गुड फ्राइडे अब कभी भी नहीं आएगा। जो हुआ था आज से 2000 साल पहले, हम उसकी याद में हम मनाते हैं। पुनरुत्थान का रविवार या रिजरेक्शन संडे, जिसे लोग ईस्टर कहते हैं, यह भी अब कभी भी नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हुए और वो अब हमेशा 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 जिंदा रहेंगे, तो पुनरुत्थान का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसका मतलब ईस्टर हम अब कभी भी नहीं मनाएंगे। हाँ, अब जो मनाते हैं वो केवल उसकी याद, यानी जो इतिहास में घटना हो गई थी उसकी याद में हम मनाते हैं। यीशु मसीह का जैतून पर्वत से नीचे आना, मंदिर में आना, ये एक भविष्यवाणी के रूप में था। ध्यान दें, यीशु मसीह जैतून के पर्वत से होकर नीचे उतरे, किद्रोन की घाटी से होकर, और आगे चलकर उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और सारे लोग उनके साथ थे। सारे लोग हाथ में खजूर लिए हुए, खजूर की डालियों को हिलाते हुए वो उसकी आराधना कर रहे थे, उसकी वर्शिप कर रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे और कह रहे थे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, होशाना आकाश में होशाना। ये सारे लोग खजूर की डालियां हिला हिला कर होशाना गा रहे थे। ना होशाना, इसका अर्थ है कि हे परमेश्वर हमें बचा, या हे परमेश्वर, या लॉर्ड सेव अस, परमेश्वर हमें बचा। होशाना का दूसरा अर्थ ये भी होता था, जब जो लोग विजय के उत्सव को मनाते थे तो वो लोग होशाना चिल्लाया करते थे। इसका मतलब ये विजय की पुकार था, शाउट ऑफ विक्ट्री हुआ करता था। तो होशाना, इसका अर्थ है हे प्रभु हमें छुड़ा, और दूसरा हे प्रभु, दूसरा अर्थ है कि परमेश्वर की विजय को घोषित करना या विक्ट्री को घोषित करना। अब लोग जो है हाथ में खजूर की डालियां हिलाना, ये भी एक भविष्यवाणी के रूप में बाइबल में लिखा गया है। सवाल यह है कि क्यों खजूर की ही डालियां? अब ये जो पाम संडे है, या ये जो पूरी घटना हुई, यीशु मसीह का गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करना, ये सच में दिखा रहा था कि यीशु मसीह कौन है। यहूदियों का विश्वास था कि ये यीशु मसीह जो है वो मसाया जो आने वाला है वो नहीं है, या ये उनको उनका उनको ऐसा लगता था कि वो अभी आने वाला है। लेकिन ये घटना द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनको ये बताना चाह रहे थे कि जो आने वाला है वो कोई और नहीं, आ गया है, और वो यीशु मसीह खुद हैं। खजूर की डालियां जब हिला रहे थे तो शास्त्री और फरीसी जो वहां पे लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि इनसे इनसे कह कि ये चुप हो जाए, या ये ऐसा नहीं करें, ये चिल्लाए नहीं। उनका विरोध शुरू हो गया, और विरोध शुरू होने की वजह क्या थी जानते हैं? क्योंकि पुराने नियम के हिसाब से खजूर की डालियों को हिलाकर आराधना करने का जो तरीका था वो केवल यहोवा के सामने ही खजूर की डालियों को हिलाना था। अब यहां पे सारी भीड़ यीशु मसीह के सामने खजूर की डालियों को हिला रही है, तो उन्हें शास्त्री फरीसियों को ये लगा कि ये सारी भीड़ यीशु मसीह को परमेश्वर बता रही है, यहोवा बता रही है, और इसीलिए शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा कि हे रबी, इनसे कह दे कि ये चुप हो जाए। हम देखेंगे बाइबल में से लेव व्यवस्था 23वां अध्याय 39 और 40 वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, फिर सातवें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज इकट्ठा कर चुको, तब सात दिन तक यहोवा का पर्व मानना। अब ध्यान दें, यहां पर किसका पर्व मनाने के लिए कहा गया है मूसा के द्वारा? यहोवा का पर्व। पहले दिन परम विश्राम हो और आठवें दिन परम विश्राम हो, और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते, ध्यान दें, खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, क्या कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने
तुम 7 दिन तक आनंद करना, यानी ये यहोवा के आनंद मनाने या पर्व करने या उसकी आराधना करने का तरीका ये था कि वे अपनी भूमि की उपज को लेकर आए और खजूर की डालियों को लेकर आकर उसकी आराधना करें। अगर आप परमेश्वर के तंबू को देखें तो उसके 3 भाग हुआ करते थे। 3 भाग इस होता था, वो बाहरी आंगन होता था, पहला बाहरी आंगन, उसके बाद पवित्र स्थान और उसके बाद परम पवित्र स्थान होता था, यानी मंदिर जो यहोवा का तंबू हुआ करता था उसके 3 भाग होते थे। और पहला राजा उसके 6वें अध्याय के 29 से लेकर 35वें वचन तक इस परम पवित्र स्थान यानी मोस्ट होली किस तरह से बनाना है ये परमेश्वर ने यहां पर सुलेमान को बताया था। हम लोग देखेंगे जरा इसको भी। हम इस समय देख रहे हैं कि खजूर की डालियां ही क्यों, पहले देखा खजूर की डालियां यहोवा के सामने हिलाई जाती थी उसकी आराधना के लिए और ये पर्व मनाया जाता था खजूर की डालियों को हिलाने का। और ये जो पर्व होता था ये यहोवा के सामने खजूर की डालियां हिलाने का होता था। पहला राजा उसका 6वां अध्याय 29 से लेकर और उसका 40वें वचन तक, उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब फिर खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरी के फर्श उसने सोने से मढ़वाए। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की बनावट पंचकोणीय थी। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे और उनमें करूब फिर खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया। ये जो वचन है यहां पर लिखा है कि जो पवित्र स्थान होगा, परम पवित्र स्थान जहां पे यहोवा का संदूक होगा, जहां पे यहोवा की उपस्थिति होगी, जहां पे यहोवा होगा उस जगह में परमेश्वर ने कहा कि मंदिर बनाते समय वो लकड़ी पर या दीवार पर वो खजूर के पेड़ को या खजूर की डालियों को खुदवाना। और ये जो चीज है ये ऐसा था कि परमेश्वर की आराधना के समय खजूर की डालियों का बहुत महत्व था। अब हम देखते हैं कि ये पाम संडे के दिन यानी आज के इतवार के दिन यीशु के सामने लोग खजूर की डालियां लहराते हुए क्या दिखाना चाह रहे थे। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर है, ये कोई और नहीं यहोवा है, ये कोई और नहीं जो था जो है और जो हमेशा तक रहेगा। क्योंकि लोग जो थे मूसा की पुस्तकों को पढ़ते थे उन्हें पता था खजूर की डालियों का महत्व और वो खजूर की डालियों को हिला हिला कर ये बता रहे थे कि इस गधी के बच्चे पर जो सवार है वो कोई और नहीं बल्कि खुद परमेश्वर है। लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और 40 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां नाली के मजनू लेकर यहोवा के सामने आराधना करना। तो अब लोग जब यीशु मसीह के जुलूस में जा रहे हैं तो जो खजूर की डालियां लहरा रहे हैं वो दिखा रहे थे कि ये कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 और 10, यहां पर ऐसा लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में क्या लिए हुए, खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है उसका मेमने का जय जयकार हो। अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ बताई गई है। इन दोनों घटनाओं में भीड़ है, खजूर की डालियां हैं, यीशु मसीह भी है। हाँ, लेकिन जो सवारी है वो अलग है। पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह
गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य उसके सातवें अध्याय के नौवें वचन को देखते हैं तो वहां पे यीशु मसीह के बैठने का स्थान बदल गया है, यानी अब वो सिंहासन पे बैठे हैं और सारी भीड़ जो है वो उसकी आराधना कर रही है, खजूर की डालियों को अपने हाथों में लिए हुए उसकी आराधना कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलता हूं। इज़राइल जो था वो आजाद हुआ था 1948 में इज़राइल को आजादी मिली। इससे पहले यहूदियों का या हिब्रू भाषा बोलने वालों का कोई भी देश नहीं था और ये यहूदी सारे संसार में बिखरे हुए थे। यरूशलेम यहूदी जो थे वो अब्राहम की संतान थे और उनका ये मानना था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा वाचा अब्राहम से बांधी है कि मैं तुझे अपना खुद का देश दूंगा और ये देश परमेश्वर हमें जरूर देगा। यहूदियों का ये विश्वास था कि क्योंकि हम अब्राहम के से जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी उसके वारिस हैं, तो जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है हमें वो मिलेगा, यानी हमारा अपना एक निज देश परमेश्वर हमें खुद देगा। खैर ये हालत नहीं थी इस देश पर, इस पृथ्वी पर यहूदियों का अपना कहने के लिए उस समय कोई देश नहीं था, यानी इज़राइल का जन्म नहीं हुआ था और इसीलिए सारे संसार में यहूदी जो थे वो अपने पर्व मनाते थे। आप देखें यहूदी जो है पर्व मनाने में सच में बहुत ही बढ़ चढ़ कर होते हैं, तो जब भी ये चाहे फसह का पर्व मनाए चाहे झोपड़ियों का पर्व मनाए या कोई भी पर्व मनाते थे तो वो दुखी होते थे उसके बाद में और ये कहते थे कि हम ये पर्व मना रहे हैं जबकि हमें ये यरूशलेम में मनाना है लेकिन हम नहीं मना रहे हैं। और इसलिए हर एक पर्व के अंत में वो सभी मिलकर ये कहते थे कि ये पर्व हमने आज यहां मनाया है लेकिन अगली बार हम यरूशलेम में मनाएंगे, ये बलिदान आज हमने यहां चढ़ाया है लेकिन अगली बार हम यरूशलेम में। और वो हर पर्व के बाद ये कहते थे कि नेक्स्ट टाइम इन यरूशलेम। हमारा भी ये मानना है कि ये जो खजूर की डालियां लिए हुए हम पाम संडे मनाते हैं, हम आने वाले समय में नए यरूशलेम में मनाएंगे। हमें गीत गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। और हमारा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी बादलों पर आएगा और हम उसके साथ हमारे यरूशलेम में जो प्रकाशित वाक्य में नए यरूशलेम के नाम से है हम वहां जाएंगे, सिंहासन पर मेमना होगा और हम सभी खड़े होकर उसके आराधना करेंगे, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और तब वो सच्चा पाम संडे होगा। आज जो हम मना रहे हैं ये तो आने वाले सच्चे पाम संडे की परछाई है लेकिन उस समय हम मेमने के सामने होंगे और इस तरह से मनाया जाएगा। अब एक चीज देखेंगे कि यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर जैतून पर्वत से उतरकर किद्रोन की वैली से होते हुए घाटी से तराई से होते हुए उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया। अब यही चीज फिर से दोहराई जाएगी यानी कि इससे पहले यीशु मसीह जैतून के पर्वत से होकर किद्रोन के नाले से होते हुए उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया, यही फिर से होगा। इसको देखने के लिए आइए हम लोग चलते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 10 और 11 वचन। उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर वापस आएगा। अब यहां पर बताया गया कि जिस रीति से यीशु मसीह उठा लिया गया है उसी रीति से वापस आएगा। अब सोचने की बात यह है, यीशु मसीह कहां से उठाए गए? अगर आप 12वां वचन पढ़ें, यानी कि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 12वां वचन, तो आपको पता चलेगा कि ये घटना कहां हुई, यानी यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कहां हुआ, ये चीज यहां पे हम देख सकते हैं। 12वें वचन में कहा है,
तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे, यानी कि वो चेले जैतून पहाड़ पर थे। यीशु मसीह का स्वर्ग में उठाया जाना जैतून पहाड़ पर होगा। और अगर हम इस चीज को जकर्या में देखें, जकर्या 14:1-4, यहां पर ऐसा लिखा है, सुनो यहोवा का एक दिन, एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वो नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा कि वह संग्राम के दिन लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। यहोवा कहां पांव रखेगा? जैतून के पर्वत पर, यानी यीशु मसीह जो जैतून के पर्वत से उठाए गए या वहां से उनका स्वर्गारोहण हुआ, जब वो वापस आएंगे तो वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेंगे जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। ना ध्यान देना, पाम संडे कहां से शुरू हुआ? जैतून के पर्वत से। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कहां हुआ? जैतून के पर्वत से। और परमेश्वर का आना कहां होगा? जैतून के पर्वत पर होगा। और लिखा है आगे, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस गड्ढे में से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह गड्ढा आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह का आना होगा तो उस वो सबसे पहला पांव जो है वो जैतून पर्वत पे ही रखेंगे। तो अब आपको समझ में आया, प्रेरितों के काम में कहा गया था, दो स्वर्गदूतों ने कहा कि जिस तरह से तुमने यीशु मसीह को जाते देखा है उसी तरीके से आएगा। जैतून के पर्वत से स्वर्गारोहण हुआ है और यीशु मसीह जैतून के ही पर्वत पर आएंगे। और उस समय क्या होगा? सारी जातियां इसराइलियों से लड़ेंगी। इसराइली जो यहूदी हैं वो बहुत ही बड़े संकट में होंगे। और ऐसे समय में जकरिया के पुस्तक में हमने पढ़ा कि बहुत बड़े विपत्ति का समय इसराइलियों पर होगा और उन्हें बचाने के लिए यहोवा खुद, परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर आएगा और उन्हें बचाएगा। यीशु मसीह का आना जो होगा, इससे पहले उसने मंदिर में प्रवेश किया था गधे पर बैठकर, लेकिन अब जो यीशु मसीह प्रवेश करेगा वो गधे पर बैठकर नहीं लेकिन घोड़े पर बैठकर होगा। दोनों में क्या फर्क है? यीशु मसीह का गधे पर बैठकर यरूशलेम में आना और फिर यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर घोड़े में बैठकर आना, इसमें क्या फर्क है? गधा जो है वो शांति का प्रतीक माना जाता था, और अगर राजा घोड़े पर सवार होता था वो युद्ध का प्रतीक माना जाता था। इसका मतलब हम युद्ध में हैं। जब कोई शत्रु देश किसी राज्य पर चढ़ाई करता था तो उस राज्य का राजा जो है दुश्मन का सामना करने के लिए उससे आगे बढ़ने से पहले वो सारे राज्य में घोड़े पर सवार होकर वो घोड़े को दौड़ाते हुए जाता था और ये घोषित करता था अपने राज्य में कि सुनो युद्ध का समय आ गया है और मेरी प्रजा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा राजा शूरवीर है, तुम्हारा राजा योद्धा है और वो तुम्हें विजय दिलाएगा। यानी युद्ध की चेतावनी के देने के लिए राजा जो है घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ाते हुए अपने राज्य में घूमा करता था। लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाता था तब राजा गधे पर बैठकर अपने राज्य में घूमता था लोगों को यह बताने के लिए कि सुनो युद्ध खत्म हो गया है, अब चारों ओर शांति है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जो गधे पर बैठकर प्रवेश करते हैं वो ये बताने के लिए कि सुनो शांति का राजकुमार इस यरूशलेम में प्रवेश करने वाला है। और इसीलिए यीशु मसीह ने जो है
वो गधी के बच्चे पर बैठकर प्रवेश किया। यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए शांति का सुसमाचार लाया। अब जो यीशु मसीह आने वाले हैं वो घोड़े पर सवार होकर, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेकर 16 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ कोई और नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल महीन मलमल पहने हुए उसके पीछे है। और 15वां वचन, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब जब यीशु मसीह वापस आएगा तो वो गधी के बच्चे पर बैठकर नहीं आएगा, अब वो घोड़े पर बैठकर आएगा। इसका मतलब अगला पाम संडे जो होगा अनंत काल के लिए, उस समय वो युद्ध करने के लिए आएगा, शांति के राजकुमार के रूप में नहीं आएगा और वो युद्ध के रूप में घोड़े पर बैठकर आएगा। और उस समय क्या होगा? ये वो दौर होगा जब यहूदी बहुत बड़े संकट से होकर जा रहे होंगे और ऐसे समय में परमेश्वर जैतून पर्वत पर उतरेगा। जैतून पर्वत दो भागों में बट जाएगा और इसराइली दो भागों में बटने की वजह से उसके बीच में यानी बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा और सारे जो इसराइली हैं वो उस गड्ढे में से होकर वो उन दुश्मनों से बचकर बाहर निकल जाएंगे, यानी उन्हें बचाने के लिए यहोवा आएगा। लेकिन उसके बाद जो भूकंप होगा उससे जो है वो दरवाजा वो बिल्कुल खुल जाएगा जो आज बंद है और उसके बाद यहूदी जो है वो उसे देखेंगे जो घोड़े पर सवार होकर आया है। और क्या देखेंगे? उसके वस्त्र पर लहू के छींटे हैं, उसके हाथों में कीले के निशान है, उसके पांव में कीले के निशान है और उसकी छाती में भाला भोके जाने का निशान है। जब वो देखेंगे और कहेंगे कि ये वही यीशु मसीह है जो इससे पहले आ गया, मसीहा आ चुका और हमने उस पर विश्वास नहीं किया, ये वही है। और तब सारे यहूदी जो है उसे देखकर पश्चाताप करेंगे और छाती पीटेंगे, बहुत बड़ा विलाप करेंगे, पश्चाताप करेंगे। और उस समय जो है परमेश्वर यानी यहूदी उसको देखकर तब उस पर विश्वास करेंगे जब वो बड़े संकट से होकर जाएंगे और जब यीशु मसीह आएगा उसे देखकर विश्वास करेंगे, उसके लहू के छींटे देखकर विश्वास करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने और आपको और मेरे लिए इस बात की जरूरत नहीं पड़ी कि हम देखें और विश्वास करें। यहूदियों ने अभी तक उसे अपना मसीहा नहीं माना है, लेकिन वो समय बहुत जल्दी आ रहा है जब वो अपनी आंखों से उसे देखेंगे और छाती पीट कर पश्चाताप करेंगे कि हमने इसे अपना मसीहा नहीं माना। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। थोमा के समय में जब थोमा ने कहा कि जब मैं उसके हाथ के कीलों के निशान में उंगली डालकर जब तक न देख लूं, उसके पंजर में हाथ डालकर जब तक न देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यीशु मसीह ने उसे कहा, थोमा अपना हाथ ला और देख, मैं वही हूं। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि थोमा देख, तूने तो देखकर मुझे विश्वास किया है, लेकिन क्या ही धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। बिना देखे विश्वास करने वालों में जानते हैं कौन है? और मैं है जो अन्य जाति हैं। और ये बिना देखे विश्वास करने वाले ही उस बड़ी भीड़ में जो प्रकाशित वाक्य में बताई गई है 7वें अध्याय में, ये बड़ी भीड़ में आप और मैं जिन्होंने बिना देखे उसे स्वीकार किया है वो होंगे। अब यीशु मसीह जो जब आएंगे और वो यरूशलेम में प्रवेश करेंगे और उस समय जो है ए समय बहुत
भारी जो है वो क्लेश का काल होगा। जो यहूदी पश्चाताप करेंगे वो उसके साथ जो है अनंत काल में, लेकिन जो विश्वास नहीं करेंगे वो अनंत काल की मृत्यु की तरफ जाएंगे। यहूदियों ने विश्वास नहीं, उन्हें विश्वास करने का एक और मौका उस अनंत काल के पाम संडे के समय में मिलने वाला है। अब जब मत्ती में जो पाम संडे के बारे में बताया गया है, दो तरह की भीड़ थी। एक भीड़ ये थी जो खजूर की डालियां हाथ में ले हिलाते हुए ये कह रहे थे कि होसाना होसाना, और दूसरे कह रहे थे कि ये कौन है। यहूदी कहते हैं ये कौन है, आप और हम जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है, आराधना हम करते हैं खजूर की डालियों को हिलाते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम उसकी होसाना गाते हैं। तो प्यार अब सवाल ये है, आप और मैं भीड़ के किस भाग में खड़े हैं? एक भीड़ जो कहती थी ये कौन है, दूसरी भीड़ जो खजूर की डालियां लिए हुए उसकी आराधना कर रही थी। आप और मैं किस भीड़ में है? होसाना गाने वालों की भीड़ में है या उस भीड़ में है जो कहते हैं ये कौन है, या इन्हें शांत कर इन्हें चुप कर? यीशु मसीह ने शास्त्रीय फरीसियों से कहा कि अगर ये शांत रहे या ये यदि चुप रहे तो पत्थर भी बोल उठेंगे, पत्थर मेरी महिमा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप और मैं वो लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं, और हम वो भीड़ हैं जो यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा राज्य करेंगे। सो प्यारों, हम एक बहुत बड़े पाम संडे का इंतजार कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना हर साल यही होगी कि हे प्रभु, इस साल तो हमने इस पृथ्वी पर पाम संडे मनाया है, लेकिन आने वाले समय में हम स्वर्ग में नए यरूशलेम में इस पाम संडे को मनाएंगे। सो प्यारों, परमेश्वर में बने रहें, उसकी और स्तुति आराधना करें, उसकी होसाना गाएं, उसकी महिमा करें, और तब हम सभी बढ़ रहे हैं नए पाम संडे के लिए। क्रिसमस आई, खत्म हो गई, अब क्रिसमस फिर नहीं होगी। गुड फ्राइडे आज से 2000 साल पहले हुआ, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, अब गुड फ्राइडे फिर कभी वापस आने वाला नहीं है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, अब कभी पुनरुत्थान नहीं होगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान अब कभी नहीं होगा, वो भी बीत गया। लेकिन हां, एक त्योहार बाकी है और वो है पाम संडे, और ये त्योहार अनंत काल के लिए हम मनाएंगे उस यीशु मसीह के साथ में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम सभी प्रार्थना करेंगे कि ये पाम संडे जो मेमने के सिंहासन के सामने खड़े रहकर श्वेत वस्त्र पहनकर खजूर की डालियां हिलाने का होगा, बहुत बहुत जल्दी आएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।